हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीडी यूएससी क्लासेस पे। आज हम लोग की थर्ड यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोग जीन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देख चुके थे कि जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। आज हम लोग प्रोकैरियोट्स के अंदर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को देखेंगे। प्रोकैरियोट्स में किस तरह से जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, का रेगुलेशन हो रहा है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। जीन एक्सप्रेशन को समझने के लिए, रेगुलेशन के प्रोसेस को समझने के लिए एक मॉडल प्रपोज किया था। किसने किया था? जेकॉब एंड मोनॉड ने, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन के मॉडल को प्रपोज किया था, जिसे हम लोग ओपेरॉन मॉडल बोलते हैं। आज हम लोग को ओपेरॉन मॉडल ही समझना है कि किस तरह से ओपेरॉन मॉडल जीन रेगुलेशन के बारे में समझाता है। ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन प्रपोज्ड बाय जेकॉब एंड मोनॉड इन 1961। क्या है ये ओपेरॉन मॉडल, क्या बताता है इसके बारे में हमें, किस तरह से जीन एक्सप्रेशन को करवाता है। ओपेरॉन क्या होता है? एक डीएनए का सेगमेंट होता है, डीएनए पार्ट जो होता है, उसमें ओपेरॉन का क्या मतलब है? यहाँ पर ओपेरॉन का मतलब है लिंक्ड जीन। यहाँ पर बहुत सारे जीन होते हैं जो पास पास में अटैच रहते हैं। ओपेरॉन में क्लोजली लिंक्ड जीन का ग्रुप होता है, जो पार्टिकुलर बायोकेमिकल पाथवे से वेरियस एंजाइम्स को कोड करता है। यहाँ पर ओपेरॉन मॉडल क्या है? बहुत सारे जीन्स आपस में जब लिंक्ड होते हैं, तब किसी भी स्पेसिफिक एंजाइम को बनाते हैं। बहुत सारे वेरियस टाइप के एंजाइम, सबसे पहले क्या होगा? वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, उसके बाद एंजाइम फॉर्मेशन। तो वो सब किस तरह से हो रहा है, वही हमारा क्या है? ओपेरॉन मॉडल। वहाँ के जो जीन है वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। डीएनए आरएनए का सेगमेंट जो जीन के फंक्शन को रेगुलेट करता है, वो क्या होता है? हमारा ओपेरॉन मॉडल होता है। प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, उसे ओपेरॉन मॉडल कहते हैं। जो क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करेगा, उसे ओपेरॉन मॉडल कहेंगे। ओपेरॉन मॉडल किसमें दिया गया था? एस्चेरिचिया कोलाई, एक बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया के अंदर ओपेरॉन मॉडल को जेकॉब एंड मोनॉड ने दिया था। क्या देखा था इन्होंने उस बैक्टीरिया के अंदर? क्या ऑब्जर्व किया? क्या देखा था इन्होंने? लैक्टोज सुगर। उसके अंदर लैक्टोज सुगर क्या है? सबस्ट्रेट है यहाँ पर। उसमें क्या कराया था इन्होंने? लैक्टोज सुगर को देखा था। अगर लैक्टोज सुगर पाई जा रही थी, तब क्या हो रहा था? जीन रेगुलेशन हो रहा था। यहाँ पर लैक्टोज सुगर जब सबस्ट्रेट पाया जा रहा है, तब जीन ऑन रहते हैं, और जब नहीं पाया जा रहा है तो ऑफ रहते हैं। तो यहाँ पर लैक्टोज सुगर का एनर्जी के प्रोडक्शन में, लैक्टोज सुगर का क्या होगा? उसको मेटाबोलाइज किया जाएगा, उसको तोड़ा जाएगा और एनर्जी का प्रोडक्शन कराया जाएगा। तो एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर लैक्टोज सुगर का क्या हो रहा है? मेटाबोलिज्म हो रहा है। यही हो रहा है हमारा ओपेरॉन मॉडल, यही है हमारा ओपेरॉन मॉडल। यहाँ पर लैक्टोज सुगर का रेगुलेशन, मेटाबोलिज्म होगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैक्टोज सुगर का मेटाबॉलिज्म किस तरह से हो रहा है। तो बैक्टीरियल डीएनए में फोर टाइप के जीन यहाँ पर जीन रेगुलेशन में, ओपेरॉन मॉडल में जीन रेगुलेशन में फोर टाइप्स के जीन क्या है यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, उपस्थित है यहाँ पर। कौन कौन से जीन हैं? सबसे पहले आपका रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल। ये चार टाइप के जीन आपके पाए जा रहे हैं जीन रेगुलेशन में। ओपेरॉन मॉडल के जीन रेगुलेशन में चार टाइप के जीन पाए जा रहे हैं। क्यों पाए जा रहे हैं? ताकि ये लैक्टोज सुगर का क्या कराए? मेटाबॉलिज्म कराए और एनर्जी का प्रोडक्शन कराए। उसके लिए यहाँ पर मेटाबॉलिज्म कराया जा रहा है ओपेरॉन मॉडल में। तो इन जीन का क्या फंक्शन है, किस तरह से काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले जीन बहुत ही मेन है यहाँ पर। जीन का क्या फंक्शन रहता है यहाँ पर? जीन रेगुलेटरी जीन, इसे स्मॉल आई के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। स्मॉल आई यहाँ पर रहेगा, और उसको लैक फर्स्ट जीन भी बोलते हैं। लैक फर्स्ट जीन जो लैक रिप्रेशर को इनकोड करता है, लैक रिप्रेशर। यहाँ पर ये रिप्रेशर का काम कर रहा है। रिप्रेशर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है? जिसमें दो फंक्शनल डोमेन होंगे, यहाँ पर क्या होगा? रेगुलेटरी जीन में दो फंक्शनल डोमेन होंगे। डोमेन क्या होता है? खाली क्षेत्र होते हैं। वहाँ पर क्या होगा? डीएनए के ऑपरेटर रीजन से बाइंड करने के लिए, दूसरा लैक्टोज बाइंडिंग के लिए। दो डोमेन होंगे, पहला किस लिए होगा? डीएनए से, डीएनए क्या करेगा? ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा। और दूसरा किस लिए होगा यहाँ पर? लैक्टोज बाइंडिंग के लिए। लैक्टोज क्या है? लैक्टोज शुगर जो मिल्क में पाई जाती है। यहाँ पर लैक्टोज शुगर, उसकी बाइंडिंग के लिए दूसरा डोमेन होगा। तो ऑपरेटर को रिप्रेजेंट,
ऑपरेटर को रिप्रेसर बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज को ऑपरॉन के साथ आगे बढ़ने को अलाउ नहीं करता। यहाँ पर ऑपरेटर क्या कर रहा है कि आपका जो रिप्रेसर है, रेगुलेटरी जीन ने क्या किया, रिप्रेसर को इनकोड किया। अब रिप्रेसर क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ने नहीं देगा, आगे बढ़ने को अलाउ नहीं करेगा। अलाउ नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, उसकी प्रोसेस को रोक देगा। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी क्योंकि रिप्रेसर को इनकोड किया रेगुलेटरी जीन ने। अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को किस तरह से रोका, रेगुलेटरी जीन निगेटिव फीडबैक को ऑपरेटर जीन के पास लेके जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले पाया जा रहा है रेगुलेटरी जीन, वो क्या करेगा, जब आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होनी होगी तब ये नहीं होनी होगी, तब ये निगेटिव फीडबैक को ऑपरेटर जीन के पास लेकर जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होनी है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होना है, एमआरएनए नहीं बनेगा। लेकिन जब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होनी होगी, जब बनना होगा प्रोटीन को, तब ये रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करवाते हैं, तब ये रेगुलेटरी जीन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराएंगे और पॉजिटिव फीडबैक को लेकर जाएंगे। कहाँ, ऑपरेटर जीन के पास। ऑपरेटर जीन के पास पॉजिटिव फीडबैक पहुंचेगा, वहां से क्या होगा, फिर एमआरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेगुलेटरी जीन का यहाँ पर क्या काम है, रिप्रेसर का काम है। रिप्रेसर क्या करा रहा है, यहाँ पर दो फंक्शन करा रहा है। किस तरह से, अगर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी तभी पॉजिटिव फीडबैक लाएगा, नहीं होगी तभी निगेटिव फीडबैक लाएगा। तो ये काम हो गया हमारा रेगुलेटरी जीन, को तो बोलते हैं आई से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, तो ये हो गया हमारा रेगुलेटरी जीन। के बाद आपका सेकेंड है, रेगुलेटरी जीन के बाद प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन कहाँ पर पाया जा रहा है, इसे पी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन साइट होने की साइट को निर्धारित करना है। प्रमोटर जीन, आप लोगों ने जब हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तब हम लोगों ने प्रमोटर रीजन देखा था। प्रमोटर रीजन पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, वहां से आपकी क्या, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। तो यहाँ पर वही ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को जो स्टार्ट कराता है प्रमोटर रीजन पर, यहाँ पर है प्रमोटर जीन। प्रमोटर रीजन पर ही पाए जाते हैं प्रमोटर जीन, जिसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्शन साइट को, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की साइट स्टार्ट होगी उसको निर्धारित करता है। अर्थात आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड होने की साइट को निर्धारित करेगा। प्रमोटर जीन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है। यहाँ पर प्रमोटर जीन के पास आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, तो पॉलीमरेज इसका क्या फंक्शन हो गया, प्रमोटर जीन का, इसको बाइंडिंग की साइट को निर्धारित करता है। ये क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग साइट को निर्धारित करेगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करेगा। ये तो प्रमोटर जीन हो गया। उसके बाद ऑपरेटर जीन क्या करेगा, इसको ओ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ओ के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑपरॉन में एक अन्य रेगुलेटरी एलिमेंट होता है, ऑपरॉन सिस्टम में अभी तक एक और क्या होता है, एलिमेंट होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर जीन बोलते हैं। इसके द्वारा रेगुलेटरी प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर में अटैच होगी। इसके द्वारा रेगुलेटरी प्रोटीन जो थी वो 3D स्ट्रक्चर में अटैच होगी और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, ऑपरेटर जीन के पास गया रेगुलेटरी प्रोटीन, वहां पर जाकर उसने ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक दिया तथा इससे अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट करता है तथा इससे अलग होकर अब यहाँ पर इससे जुड़ गया। जुड़ने के बाद इस प्रोसेस को रोक दिया। रोक दिया उसके बाद जब रोकना होगा तब ये रोक देगा, लेकिन जब बनाना होगा तब इससे अलग होकर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रेगुलेट कराता है। अर्थात ये स्विच की तरह काम कर रहा है, स्विच की तरह ऑन या ऑफ हो रहा है। जब कराना होता है तब ये प्रोसेस को रोक देता है, अटैच होगा 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ, और जब नहीं कराना होगा तब ये 3D स्ट्रक्चर प्रोटीन के साथ ऐड होगा, और जब कराना होगा तब क्या होगा, यहाँ पर ये उससे अलग हो जाएगा। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, स्विच की तरह ऑन ऑफ हो रहा है। ये निर्धारित करता है, ऑपरेटर जीन ये निर्धारित करेगा कि स्ट्रक्चरल जीन फंक्शन करेंगे या नहीं करेंगे, ऑन ऑफ हो रहा है ना, कि आगे हमारा एमआरएनए या प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा। अभी ये क्या कर रहा है, स्विच की तरह वर्क कर रहा है। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, स्ट्रक्चरल जीन वो है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है, जो क्या कराएंगे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कराएंगे स्ट्रक्चरल जीन। अब ये फंक्शन कराएंगे या नहीं कराएंगे, वो कौन कर रहा है, यहाँ पर कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेटर जीन। ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है किस तरह से। अब चौथा है हमारा स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, लैक ऑपरॉन में 3 टाइप के जीन होते हैं जिन्हें ZYA के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ZYA और A, ये 3 टाइप के आपके स्ट्रक्चरल जीन होते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर।
स्ट्रक्चरल जीन में अमीनो एसिड्स को कोड करने के लिए कोडॉन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है। स्ट्रक्चरल जीन, अब हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट देखी थी, उसमें क्या हम लोगों ने देखा था, प्रमोटर जीन होता है, प्रमोटर जीन, प्रमोटर रीजन होता है, स्ट्रक्चरल जीन और बाकी टर्मिनेटर। तो प्रमोटर रीजन पर क्या हुआ था, आरएनए पॉलीमरेज आया और उसने क्या किया, वहां पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनाया था। स्ट्रक्चरल जीन में क्या होता था, उसके पास कोडॉन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पाई जा रही थी, कोडॉन के फॉर्म में इंफॉर्मेशन पाई जा रही थी जहां से आपका एमआरएनए बनना स्टार्ट हो रहा था। तो वही स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर, कौन कौन से, जेड वाई ए टाइप के स्ट्रक्चरल जीन है इनके पास कोडॉन के फॉर्म में, कोडॉन तीन तीन फॉर्म में, नाइट्रोजिनस बेसिस, कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, तो नाइट्रोजिनस बेसिस की लैंग्वेज होती है, तो उसको कोड करने की इंफॉर्मेशन यहाँ पर पाई जाती है स्ट्रक्चरल जीन में। अब स्ट्रक्चरल जीन क्या करते हैं, एंजाइम्स का फॉर्मेशन करते हैं, किस तरह से, स्पेशल टाइप के तीन टाइप के ये यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन है, तो तीन टाइप के यहाँ पर एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। पहला कौन सा स्ट्रक्चरल जीन है, पहला है लैक स्ट्रक्चरल जीन, फर्स्ट है हमारा यहाँ पर लैक जेड, तो जेड बोलेंगे सबसे पहला हमारा लैक जेड, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को इनकोड करेगा, क्या करेगा, आपका जेड वाला स्ट्रक्चरल जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम आएगा यहाँ पर, उसको क्या करेगा, बनाएगा, और जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन कर देता है, उसका मेटाबॉलिज्म कर देता है, उसको तोड़ देता है यहाँ पर लैक्टोज, क्या है, जेड वाला आपका स्ट्रक्चरल जीन क्या कर रहा है यहाँ पर, एंजाइम को बना रहा है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या कर रहा है, ग्लूकोज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ रहा है, ये वाला एंजाइम इसका मेन फंक्शन है यहाँ पर, लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज को गैलेक्टोज में तोड़ देगा। और उसके बाद दूसरा आपका है वाई वाला, और दूसरा आपका स्ट्रक्चरल जीन वाई, ये गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम परमिएज, ये कौन सा एंजाइम इनकोड कर रहा है, गैलेक्टोसाइडेज परमिएज एंजाइम को इनकोड कर रहा है, ये वाला दूसरे एंजाइम को इनकोड कर रहा है जिसका नाम है गैलेक्टोसाइडेज परमिएज, जो लैक्टोज को मीडियम से बैक्टीरियल सेल में इंटर करने को अलाउ करता है, लैक्टोज को क्या करेगा, मीडियम में बैक्टीरियल सेल में इंटर करने को अलाउ करेगा कि लैक्टोज अलाउ वहाँ पर इंटर करे, इंटर करेगा तो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम उसका ब्रेक डाउन करेगा और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा। उसके बाद आपका तीसरा स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर लैक ए का नाम है यहाँ पर, और ये क्या कर रहा है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम को इनकोड करेगा, जो एस्टिल को एंजाइम ए से एस्टिल ग्रुप को बीटा गैलेक्टोसाइडेज में ट्रांसफर करेगा, क्या करता है यहाँ पर, एस्टिल को एंजाइम ए से क्या करेगा, एस्टिल ग्रुप को लेगा और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम में ट्रांसफर कर देगा। तो ये तीन टाइप के स्ट्रक्चरल जीन हैं आपके, क्या करेंगे यहाँ पर, ये तीनों टाइप के स्ट्रक्चरल जीन, सबसे पहले कौन कौन से जीन आए थे, रेगुलेटरी जीन आया था आपका, रेगुलेटरी, तो हम लोग आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले रेगुलेटरी जीन जिसको आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद प्रमोटर जीन एंड तीसरा हम लोग का ऑपरेटर जीन, ये तीनों क्या है, कंट्रोलर जीन है, उसके बाद आपके जेड वाई और ए, ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन, किस टाइप की प्रोटीन, किस टाइप के आपका एमआरएनए बनना होगा उस टाइप के, उसको उसके स्ट्रक्चर को क्या करेंगे यहाँ पर, का मेन फंक्शन रहता। तो ये क्या है आपके, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर जीन, और ये वाले स्ट्रक्चरल जीन, कंट्रोलर जीन क्या करा रहे हैं, ये वाला है रेगुलेटरी जीन जिसको आई के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा, रेगुलेटरी प्रोटीन का थ्री डी स्ट्रक्चर जाएगा कहाँ पर, ऑपरेटर जीन के पास, ऑपरेटर जीन के पास जाएगा
और यहाँ पर क्या करा देगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देगा, 3D स्ट्रक्चर में जाएगा ऑपरेटर जीन के पास फीडबैक लेकर कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होनी है, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को नहीं कराएगा। यहाँ पर क्या होगा, नो ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि रेगुलेटरी प्रोटीन कहाँ जा रही है, ऑपरेटर जीन के पास। अब होगा कब, कब होगा, सबसे पहले क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन, प्रमोटर और ऑपरेटर। रेगुलेटरी जीन क्या करेगा, यहाँ पर रिप्रेसर, रिप्रेसर को इनकोड करेंगे, रिप्रेसर जाएगा कहाँ पर, ऑपरेटर के पास, ऑपरेटर जीन के पास जाएगा, और ये क्या करेगा, रिप्रेसर यहाँ पर प्रिवेंट करा देगा, रिप्रेसर रिप्रेसर प्रिवेंट कराएगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को, तो ये रिप्रेसर यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। दूसरी प्रोसेस में क्या होगा, जब इस रिप्रेसर से आपका इंड्यूसर मिल जाता है, यहाँ पर रिप्रेसर रहेगा प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इंड्यूसर मिल जाएगा। इंड्यूसर क्या कर देगा, यहाँ पर ऑपरेटर जीन से इसको ऐड करने से रोक देगा, यहाँ पर अगर इंड्यूसर मिल गया तो इसको यहाँ पर जाने से रोक देगा, और जिससे आप क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन आपका mRNA बनाना स्टार्ट कर देंगे। mRNA बनना, आपके पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज का साइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिए थे, जब ये जाकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस तरह से, तब तो आपके प्रमोटर जी रीजन पर क्या था, RNA पॉलीमरेज, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तब आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी। बट इंड्यूसर मिल जाता है तो इसका शेप चेंज हो जाता है, और यहाँ पर ऑपरेटर जीन से ये बाइंड नहीं कर पाता, आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर नहीं हो रही है, रुकी हुई है। तो ये क्या हो रहा है, हमारा लैक्टोज की किस तरह से लैक्टोज किस तरह से यहाँ पर फंक्शन कर रहा है, किस तरह से आपके ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक रहा है, और किस तरह से करा रहा है, उसकी प्रेजेंस और ऑब्सेंस में क्या क्या फंक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो भी देख लेते हैं। अगर हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज क्या है, सबस्ट्रेट है, किस तरह से जीन ऑन ऑफ होंगे, यहाँ पर लैक्टोज आएगा, उसकी प्रेजेंस में क्या होगा, एब्सेंस में क्या होगा, तो उसके कारण यहाँ पर रेगुलेटरी जीन किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं। अगर एब्सेंट हुआ, अगर हमारा लैक्टोज सेल के अंदर नहीं पाया जा रहा, तब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराता है। लैक्टोज फर्स्ट जीन कौन सा है, रेगुलेटरी जीन, जिसका नाम है लैक्टोज फर्स्ट जीन, क्या करा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराता है, तथा mRNA से प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है, mRNA से प्रोटीन का ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा, और लैक रिप्रेसर प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर लैक रिप्रेसर को प्रोड्यूस करेगा लैक्टोज की अब्सेंस में, ऑपरेटर को बांधेगा, और इससे mRNA आपका RNA पॉलीमरेज ब्लॉक हो जाएगा।
आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक किस तरह से हो रहा है? इस तरह से आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रोमोटर रीजन पर बाइंड करता है, यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर, रिप्रेसर एक्टिव रिप्रेसर, और ये कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव कौन करा रहा है यहाँ पर, एक्टिव करा रहा है यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा ऑपरेटर जिनके पास रिप्रेसर, इस तरह से यहाँ पर बाइंड कर जाएगा, यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो क्या हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, इसीलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एमआरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन किया जाएगा और लैक रिप्रेसर, यहाँ पर रिप्रेसर प्रोड्यूस होगा जो क्या करेगा, प्रमोटर से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक कर देगा, जिससे आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, ट्रांसलेशन भी नहीं होगी। अब मेटाबॉलिज्म के लिए लैक्टोज ही प्रेजेंट नहीं है, लैक्टोज यहाँ पर आपका जो फंक्शन कर रहा था, लैक्टोज को हम लोग तोड़ रहे थे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, लेकिन अब यहाँ पर ग्लूकोज है ही नहीं, लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो किसी भी टाइप के एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा, यहाँ पर तीन टाइप के एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा था, लेकिन जब लैक्टोज नहीं होगी तब किसी भी टाइप के एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा। प्रेजेंस में क्या होगा, अगर लैक्टोज पाई जा रही है, अभी हम लोगों ने देखा प्रेजेंस में क्या होगा, लैक्टोज की एक छोटी अमाउंट सेल में इंटर करेगी, एक छोटी अमाउंट क्या करेगी, बहुत कम मात्रा लैक्टोज की, लैक्टोज शुगर की सेल में इंटर करेगी, जिससे ऑपरान रेगुलेशन को अफेक्ट करेगी, ये आपका क्या करेगा, लैक्टोज का अमाउंट ऑपरान को अफेक्ट करेगा, जिससे लैक रिप्रेसर सिंथेसिस होगा तथा लैक्टोज से बाइंड करेगा, यहाँ पर लैक रिप्रेसर सिंथेसिस होगा, लैक रिप्रेसर बनेगा और ये क्या करेगा, लैक्टोज से बाइंड करेगा, लैक्टोज बाइंडिंग के बाद इसका शेप चेंज हो जाएगा, जब ये लैक्टोज से बाइंड करेगा तब इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा, जिससे लैक रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन से जुड़ने से रोकेगा, जिससे यहाँ पर लैक रिप्रेसर से ऑपरेटर रीजन को जोड़ने से रोकेगा, अब जब जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं, इस प्रकार क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक ही नहीं होगा, जब जुड़ा ही नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता साफ है, इससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, आरएनए पॉलीमरेज की रास्ता साफ है और वो क्या कराएगा, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराएगा। पास क्या है, रिप्रेसर, लैक रिप्रेसर, और ये किससे बाइंड करेगा, लैक्टोज से, इस टाइप का रिप्रेसर है, इस तरह से ये आपका ऑपरेटर है और इसका रीजन, इसका सेप है, यहाँ पर क्या है, ये समझने के लिए रिप्रेसर का क्या है, एक स्ट्रक्चर है, अब ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये अगर यहाँ पर बाइंड करेगा इस तरह से, तब क्या आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जिससे आपकी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या होगा, इसका शेप चेंज हो जाएगा
और अगर इसका शेप चेंज हो गया ऐसे, यहाँ पर पाया जा रहा है उस, ये लैक्टोज यहाँ पर आ गई। अब इसका शेप चेंज हो गया। अब अगर ये यहाँ पर जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता क्लियर है, तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती रहेगी। भी ये यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा, जब बाइंड नहीं कर पाएगा तब यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये अब ये फर्दर आगे क्या कराएगा, स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को कराएगा, क्योंकि प्रोसेस यहाँ पर होगी। तो लैक्टोज की प्रेजेंस में क्या हो रहा है आपके रिप्रेशर का, रिप्रेशर का क्या है यहाँ पर, तो शेप चेंज हो रहा है, चेंज हो गया, ये बाइंड नहीं कर पाया, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है। तो लैक्टोज की प्रेजेंस और अब्सेंस में क्या क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब ओपेरॉन का टाइप क्या है, ओपेरॉन कितने टाइप के होते हैं जीन रेगुलेशन में, ओपेरॉन के टाइप, प्रोकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन दो टाइप्स के ओपेरॉन होते हैं। यहाँ पर दो टाइप के ओपेरॉन यहाँ पर क्या इंक्लूड होंगे, कौन कौन से, पहला इंड्यूसिबल, दूसरा रिप्रेसिबल। इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल हम लोग पहले भी थोड़ा समझ चुके थे क्या था। रिप्रेसिबल और इंड्यूसिबल में क्या होता है, लैक्टोज क्या है यहाँ पर, सबस्ट्रेट अगर पाया जा रहा है तो यहाँ पर जीन ऑन ऑफ रहेंगे, और रिप्रेसिबल में हमेशा ही ऑन रहता है। इंड्यूसिबल में लैक्टोज ओपेरॉन का एक उदाहरण है, इंड्यूसिबल सिस्टम क्या है, लैक्टोज ओपेरॉन जो हम लोगों ने अभी देखा उसका ही उदाहरण है यहाँ पर इंड्यूसिबल ओपेरॉन, जिसको हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या जीन्स होते हैं, ये जीन क्या करते हैं, लैक्टोज मेटाबॉलिज्म करेंगे, लैक्टोज को तोड़ेंगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, जिससे एंजाइम्स के अंदर क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, एंजाइम बनेंगे और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो ये इंड्यूसिबल सिस्टम है। और रिप्रेसिबल सिस्टम में क्या हो रहा था, रिप्रेसिबल सिस्टम में यहाँ पर ट्रिप्टोफेन, अमाइनो एसिड है ट्रिप्टोफेन, इसको हम लोग टीआरपी ओपेरॉन भी बोलते हैं। तो उदाहरण है ये क्या, रिप्रेसिबल ओपेरॉन का उदाहरण है टीआरपी ओपेरॉन, जो ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम को कोड करेगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो भी एंजाइम होगा ट्रिप्टोफेन के फॉर्मेशन के लिए उसको इनकोड करेगा रिप्रेसिबल ओपेरॉन। ये रिप्रेसिबल ओपेरॉन क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, रिप्रेसिबल ओपेरॉन ई कोलाई में ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस के लिए 5 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। अभी लैक्टोज शुगर वाले में हम लोगों ने देखा था 3 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, जेड वाई और ए, लेकिन यहाँ पर रिप्रेसिबल ओपेरॉन में क्या हो रहा है, 5 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, कौन कौन से हैं आगे देखेंगे। यहाँ पर 5 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड की सिंथेसिस जो हो रही है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, और प्रत्येक स्टेप्स में यहाँ पर एक स्पेशल एंजाइम्स इंक्लूड होगा, एक स्पेशल एंजाइम आएगा जो इस प्रोसेस को कराएगा। कौन कौन से एंजाइम्स होंगे यहाँ पर 5 टाइप्स के, आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर 5 टाइप्स के स्ट्रक्चरल जीन कौन कौन से हैं, सबसे पहले आपका टी आर पी ई, ई डी सी बी और ए, ये 5 टाइप के आपके क्या हैं, ट्रिप्टोफेन के स्ट्रक्चरल जीन हैं, तो कहाँ पाए जा रहे हैं आपके, रिप्रेसिबल ओपेरॉन में पाए जा रहे हैं 5 टाइप के स्ट्रक्चरल जीन। रिप्रेसिबल सिस्टम क्या होता है, हमेशा ऑन रहता है। क्यों ऑन रहता है, क्योंकि रेगुलेटरी जीन से बनने वाली रिप्रेसिबल प्रोटीन इनएक्टिव हो रही है। यहाँ पर रेगुलेटरी जीन्स क्या, रिप्रेसिबल को कोड कर रहे थे, रिप्रेसिबल को बना रहे थे, लेकिन जो रिप्रेसिबल है वो यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो यहाँ पर ऑपरेटर जीन को बाइंड नहीं कर पाता। अब ये इनएक्टिव है, इसको एक्टिव होगा तभी तो बाइंड करेगा, इनएक्टिव फॉर्म में तब ये बाइंड नहीं कर पाता है, अर्थात स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल होती है। स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगी, वो फंक्शनल ही रहेंगी, अगर स्ट्रक्चरल जीन फंक्शनल है तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती रहेगी, होती रहेगी। तो जब ये फंक्शनल हैं, जब ये कार्य करते रह रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, क्योंकि तो रिप्रेसिबल इनएक्टिव फॉर्म में है, तथा एंजाइम्स की सिंथेसिस कंटिन्यूसली होती रहेगी, प्रोटीन बनेगी, ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद एंजाइम्स क्या करेंगे, कंटिन्यूसली उसका फॉर्मेशन होता रहेगा, एंजाइम्स का सिंथेसिस होता रहेगा। यह सिस्टम इस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपका रिप्रेसिबल ओपेरॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड की प्रेजेंस में, अगर ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड्स पाया जा रहा है
तब ये ओपेरॉन एक्टिव नहीं होता है, तब क्या होता है, ये वाला रिप्रेसिबल ओपेरॉन एक्टिव नहीं होता, तथा को रिप्रेसर क्या करता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जा रहा है। ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड अगर पाया जा रहा है तब ये एक्टिव नहीं होगा, लेकिन अगर ये ट्रिप्टोफेन अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, ट्रिप्टोफेन को हम लोग यहाँ पर को रिप्रेसर बोल रहे हैं। को रिप्रेसर क्या है, इंड प्रोडक्ट। अगर ये पाया जा रहा है यहाँ पर ट्रिप्टोफेन इंड प्रोडक्ट, ट्रिप्टोफेन का अगर आखिरी प्रोडक्ट उत्पाद पाया जा रहा है तब यहाँ पर ये एक्टिव रहेगा, तब ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव रहेगी और स्ट्रक्चरल जीन का फंक्शन यहाँ पर बंद हो जाएगा। अगर ट्रिप्टोफेन पाया जा रहा है तब स्ट्रक्चरल जीन फंक्शन नहीं करेंगे, और स्ट्रक्चरल जीन फंक्शन नहीं करेंगे तब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होगी और किसी भी एंजाइम्स का सिंथेसिस नहीं होगा, और सारे के सारे एंजाइम्स का सिंथेसिस रुक जाएगा। कब रुक रहा है, जब यहाँ पर ट्रिप्टोफेन पाया जा रहा है, ट्रिप्टोफेन का इंड प्रोडक्ट पाया जा रहा है तब यहाँ पर रुक रही है। वो कब रही है, वो तो ऑलवेज ये होती ही रहती है, ये ऑन सिस्टम है। अब्सेंस में क्या हो रहा है, प्रेजेंस में क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट प्रोसेस रुक गई। किस तरह से रुकी है, टाइप टाइप के कौन कौन से स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर, ट्रिप्टोफेन ई, ट्रिप्टोफेन डी, ट्रिप्टोफेन वी, ट्रिप्टोफेन डी एंड ए, फाइव टाइप के स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं आपके रिप्रेसिबल सिस्टम में। ओपरॉन के रिप्रेसिबल सिस्टम में फाइव टाइप्स के पाए जा रहे हैं, कौन है, स्ट्रक्चरल कंट्रोलर जीन, और ये वाले आपके सारे रेगुलेटरी जीन, यहाँ पर रिप्रेसर को बना रहा है, रिप्रेसर तो कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में, ये रिप्रेसर यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में है। कब होगा, लैक्टोज आएगा, इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पर किसी भी एमआरएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इनएक्टिव है। एमआरएनए कब नहीं बनेगा, जब एक्टिव होगा। ये वाला कैसा है, एक्टिव कैसे है, यहाँ पर इंड प्रोडक्ट आ गया, इंड प्रोडक्ट किसका, ट्रिप्टोफेन का, ट्रिप्टोफेन का इंड प्रोडक्ट अगर पाया जा रहा है रिप्रेसर से, क्या करेगा, यहाँ पर प्रेशर के साथ ऐड करेगा और इसको एक्टिव बनाएगा, एक्टिव बन गया के बाद यहाँ पर एमआरएनए नहीं बनेगा, एक्टिव बनने के बाद एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, होगी कब, होगी कब, जब ये इनएक्टिव फॉर्म में पाया जा रहा है, जब ये यहाँ पर क्या होगा, आपका रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म में होगा, अभी ये एक्टिव है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंड प्रोडक्ट है। अब जब इंड प्रोडक्ट नहीं होगा तब ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, इनएक्टिव फॉर्म में ही होगा तब ये क्या करेगा, तब ये ऑपरेटर जीन के पास जाएगा और उससे बाइंड करेगा और सिंथेसिस नहीं कराएगा।
ट्रिप्टोफेन की एब्सेंस में क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस में किस तरह से ये अलग अलग फंक्शन कर रहा है। जब ट्रिप्टोफेन अब्सेंट होगा, सेल में नहीं पाया जा रहा है ट्रिप्टोफेन, तब रिप्रेसर प्रोमोटर साइट से जुड़ने में असमर्थ होगा। अब आपका रिप्रेसर जो आपके रेगुलेटरी जीन ने क्या किया था, उसको प्रमोट किया था, उसको बनाया था रिप्रेसर को, वो तो क्या करेगा, प्रमोटर साइट से जुड़ने में असमर्थ होगा, जुड़ ही नहीं पाएगा प्रमोटर साइट से। प्रोमोटर साइट से जब जुड़ेगा नहीं, तब आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये आगे बढ़ता रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज ऑपरॉन के साथ आगे बढ़ेगा और ट्रिप्टोफेन ऑपरॉन को ट्रांसक्राइब करेगा, तो बनाएगा ट्रिप्टोफेन ऑपरॉन जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। तरह से ट्रिप्टोफेन अब्सेंट हुआ तो आईपी को आपके 5 टाइप के जी टी टी यहाँ पर क्या है, रिप्रेसर, यहाँ पर ट्रिप्टोफेन अब्सेंट है, ट्रिप्टोफेन अब्सेंट हुआ तो क्या है, रिप्रेसर इनएक्टिव फॉर्म। ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जा रहा है प्रमोटर जीन के पास इनएक्टिव फॉर्म में। अब ये इससे प्रमोटर रीजन से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, जब इससे बाइंड नहीं कर पाया तो ये क्या करा, यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन एमआरएनए सिंथेसिस करा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को करा रहा है। यहाँ पर आपका आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन को कराएगा, एब्सेंस में ये होगा, ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेस होगी ट्रिप्टोफेन की एब्सेंस में। अगर प्रेजेंट हुआ तो इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन, प्रेजेंस में क्या होगा, ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट हुआ तब एंजाइम्स की सिंथेसिस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये एक्टिव कर देता है ट्रिप्रेसर को, एक्टिव कर देता है, जहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में पाया जा रहा था रिप्रेसर, उसको ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस में एक्टिव कर दिया जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, तभी ऑपरेटर जीन के पास जाकर ऐड हो जाएगा, जिससे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस रुक जाएगी। ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस में एंजाइम सिंथेसिस नहीं होती, अर्थात ट्रिप्टोफेन की उपस्थिति में यह जीन टर्न ऑफ हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, ट्रिप्टोफेन की उपस्थिति में ऑफ हो जाएंगे, जिससे ट्रिप्टोफेन क्या करेगा, एक्टिव होकर ऑपरेटर से जुड़ता है, ऑपरेटर रीजन से जुड़ेगा, स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करा देगा। आपके स्ट्रक्चरल जीन क्या करा रहे थे, एमआरएनए सिंथेसिस करा रहे थे, उसको रोक देंगे, इनहिबिट करा देंगे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देंगे यहाँ पर ट्रिप्टोफेन। जीन है ये, कंट्रोलर जीन, प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर जो आपका रिप्रेसर पाया जा रहा था, तो एंड प्रोडक्ट की प्रेजेंस में स्किप कर दिया जाएगा। स्किप हो जाएगा तभी ऑपरेटर जीन के पास जाकर ऐड हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज साइट को ब्लॉक कर देगा, आपका आरएनए नहीं बनेगा, आपकी यहाँ पर वो ट्रांसक्रिप्ट इस तरह से ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनविट करा देता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रिप्टोफेन की प्रेजेंस में। यहाँ पर ट्रिप्टोफेन को को रिप्रेसर बोल रहा है, अगर को रिप्रेसर पाया जा रहा है तब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, और अगर ट्रिप्टोफेन को रिप्रेसर अब प्रेजेंट है, अब्सेंट है, तब यहाँ पर लगातार क्या होगा, लगातार ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती रहेगी।
हम लोग की ओपरॉन मॉडल आज यहाँ पर फिनिश हो गया, जिसमें हम लोगों ने लैक्टोज का और ट्रिप्टोफेन दोनों का मॉडल देख लिया किस तरह से वह वर्क कर रहा है और किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक रहा है और करा रहा है। तो जीन रेगुलेशन की ये प्रोसेस हो गई।